Hello guys, good morning. I hope you are watching my all videos continuously. So students, पिछले दो videos में part first और part second में हमने आपको EJMR और was were helping verb को main verb में use करने का knowledge दिया था. हमने बताया था कि किस तरह से EJMR या was were को main verb में use किया जाता है. Guys, आज हम इस video में आपको बताएंगे कि shall be या will be जो कि helping verb हैं, इन्हें भी main verb या मुख्य क्रिया के रूप में कैसे use किया जाता है. So guys, look at the word shall be or will be. As you know, these are helping verb. But we can use these helping verb as main verb. यानी हम इनको मेन वर्ब के रूप में यूज कर सकते हैं. कब? कंडीशंस, टू कंडीशंस, एट लास्ट ऑफ द सेंटेंस होगा, होगी, होंगे. यानी आपके वाक्य के अंत में या तो होगा, होगी या फिर होंगे, इस तरह से आ रहा हो. सेकंड कंडीशन, नो अदर वर्ब. जैसा कि पिछली वीडियोज में हमने आपको बताया था कि यदि आप हेल्पिंग वर्ब को मेन वर्ब के रूप में यूज करते हैं तो फिर उसमें कोई दूसरी मेन वर्ब यूज नहीं होनी चाहिए. हमने आपको बताया था कि एक ही इंग्लिश सेंटेंस में कभी भी दो मेन वर्ब यूज नहीं होती है. तो इसलिए क्योंकि हम यहाँ शैल बी और विल बी को मेन वर्ब में यूज कर रहे हैं तो उसमें खाना पीना, सोना, उठना बैठना, आना जाना, इस तरह की क्रियाएं नहीं होंगी. आगे बढ़ते हैं गाइस. अब हम लेते हैं यूज ऑफ शैल बी और विल बी. स्टूडेंट्स रिमेंबर, शैल बी इज यूज्ड विद आई एंड वी. यदि आपका सब्जेक्ट आई या वी है तो उसके साथ तो आपको शैल बी यूज करना है. और यदि आपके सब्जेक्ट आई वी को छोड़कर बाकी दूसरे सब्जेक्ट्स हैं उन सब के साथ आपको विल बी का यूज करना है. ये स्टूडेंट्स आप ध्यान रखेंगे. बट स्टूडेंट ध्यान रखें, इन मॉडर्न इंग्लिश एंड इन यूएसए वहां शैल हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होती है, वहां ग्रामर में है ही नहीं. और आजकल पूरे वर्ल्ड में अमेरिकन इंग्लिश का ट्रेंड चल रहा है, इसको काफी लाइक और यूज किया जा रहा है. तो आप चाहें तो हर सब्जेक्ट के साथ विल बी का यूज भी कर सकते हैं, वो भी हमारी करेक्ट इंग्लिश होगी. लेकिन इंडियन और ब्रिटिश इंग्लिश के अनुसार हम शैल बी और विल बी दोनों का यूज करते हैं. तो हम यही सीखेंगे कि शैल बी और विल बी किन के साथ यूज होता है. तो जैसा कि हमने बताया, शैल बी आपका आई और वी के साथ यूज होगा और विल बी आपका आई और वी को, एक्सेप्ट आई और वी जितने भी सब्जेक्ट है उनके साथ आप विल बी का यूज करेंगे. अब हम देखते हैं हमारा स्ट्रक्चर या इसकी कैसे रचना होगी सेंटेंस की. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी पुट सब्जेक्ट, आफ्टर सब्जेक्ट शैल या विल आएगा आपका, उसके बाद में बी आएगा, फिर आपका ऑब्जेक्ट आएगा. नेगेटिव के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट, आफ्टर सब्जेक्ट शैल और विल, आफ्टर शैल और विल वी पुट नॉट, फिर इसके बाद बी और लास्ट में आपका ऑब्जेक्ट आएगा. नेक्स्ट इंटरोगेटिव के लिए शैल या विल सब्जेक्ट बी ऑब्जेक्ट. ध्यान रखें गाइस, इंटरोगेटिव बनाने के लिए आप ये नहीं कि शैल बी को आगे लिया है या विल बी को आगे लिया है. ध्यान रखें हमारी हेल्पिंग वर्ब केवल शैल और विल है, तो शैल और विल ही आगे आएंगी, बी को नहीं लाना है. बी आपका सब्जेक्ट के बाद ही रहेगा. सो शैल और विल सब्जेक्ट बी ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क ओनली फॉर राइटिंग. इंटरोगेटिव नेगेटिव शैल और विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क. अदर थिंग Not या no, जैसा कि मैंने मेरी पिछली एक वीडियो में बताया था कि हमेशा थर्ड प्लेस पर बैठते हैं. तो आप देख सकते हैं फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस और थर्ड प्लेस, फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस और थर्ड प्लेस. तो इस तरह से आप इसको यूज करेंगे. ये नहीं कि शैल बी नॉट बोले आप, फिर वो फोर्थ प्लेस पर चला जाएगा और हमारा सेंटेंस इनकरेक्ट हो जाएगा. तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है. तो इस तरह से गाइस, होगा, होगी, होगे आ रहा हो, नो अदर वर्ब है, तो फिर आप शैल बी या विल बी को किस रूप में यूज करेंगे? मेन वर्ब का यूज करेंगे. इसी तरह हमारा स्ट्रक्चर हमने देखा,
ये सब्जेक्ट शैल विल बी ऑब्जेक्ट इस तरह से आ जाएगा। ये चारों रूलिंग हमारी आपके सामने है। अब हम एग्जांपल्स देखते हैं। वह तुम्हारी मम्मी होगी, लास्ट में आप देख सकते हैं होगी आ रहा है, तो इसका मतलब है शैल बी या विल बी में यूज करना है। और मदर जो है किस में जा रही है, आई या बी को छोड़ के हमारा सब्जेक्ट है, तो वह तुम्हारी मम्मी हुई, शी विल बी योर मदर, ये हमारा सेंटेंस बनेगा, शी विल बी योर मदर। नेक्स्ट सेंटेंस, बच्चे कमरे में होंगे, चिल्ड्रन विल बी इन द रूम, चिल्ड्रन विल बी इन द रूम। नेक्स्ट सेंटेंस, वे फुटबॉल खिलाड़ी होंगे, दे विल बी फुटबॉल प्लेयर्स, दे विल बी फुटबॉल प्लेयर्स। नेक्स्ट सेंटेंस, क्या वह शीतल होगी, तो विल शी बी शीतल, विल शी बी शीतल। नेक्स्ट सेंटेंस, क्या वह अध्यापक होगा, तो विल ही बी ए टीचर, इस तरह से हमारा सेंटेंस बना। नेक्स्ट सेंटेंस, पापा दुकान पर नहीं होंगे, नेगेटिव, फादर विल नॉट बी एट द शॉप, फादर विल नॉट बी एट द शॉप। सो गाइस, आपने देखा बहुत सिंपल रूलिंग है, केवल आपको थोड़ा ध्यान लगा के इस रूलिंग को समझना है, आपको मेरे वीडियो को गौर से देखना है और हर चीज को क्लियरली समझना है। तो ये हमने देखा कि शैल बी और विल बी को मेन वर्ब के रूप में यूज कैसे करते हैं। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो को यहीं तक रखेंगे, लेकिन एंड करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में उसे बेल आइकन प्रेस करना भी ना भूलें, जिससे मेरी नई नई वीडियोस आप तक पहुंचती रहें, उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और इसी तरह की नई नई जानकारियां इंग्लिश के बारे में आपको मिलती रहें और आप अच्छी इंग्लिश सीखते रहें। साथ में आपको यदि मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं, आप उन्हें लाइक करते हैं, तो फिर उन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें। सो गाइस, इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं और बहुत जल्दी अगली वीडियो में हम फिर आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए बाय।